कार्यक्रम 22 की लहर में। योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री न बना है न बनेगा। भाजपा का वोट है पूरा विलुपन कर देंगे। सरकार उनकी नहीं है। वास्तव में ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे हैं। अपराध के माने में नंबर वन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 22 की लहर में। और इस वक्त मैं पहुंची हूं जौनपुर के मलिनी विधानसभा में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि काफी वक्त गुजर चुका है और यहां पर बीजेपी का जो कमल है वो खिला नहीं है। हालांकि ये मलिनी विधानसभा की जो सीट है वो कई सालों से सपा के हाथों में, और यहाँ पे कितनी तरक्की हुई है कितनी नहीं हुई है आपको बता दें, पारसनाथ यादव इससे पहले यहाँ पर विधायक थे, उसके बाद उनके बेटे भाई इलेक्शन में लकी यादव की यहाँ से जीत हुई है, और धनंजय सिंह सेकंड नंबर पे थे जो कि लकी यादव से हारे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार जो 2022 का इलेक्शन है उसकी क्या तस्वीरें निकल के आती हैं, आखिर विधानसभा में कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, और आने वाले वक्त में ये लोग किसको सपोर्ट और किसको वोट करेंगे, बताइएगा भैया। आपका वोट तो होगा, सपा को होगा। मेरा वोट सपा को होगा, क्यों होगा? क्योंकि युवा परेशान है, आज के समय में इतनी वैकेंसी आ रही कोई क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा, अब सपा के राज में जितनी वैकेंसी आई है सब क्लियर हुई है, अभी बीजेपी के राज में जितनी वैकेंसी आ रही है सब रुक जा रही है, आ रही है लेकिन कोई क्लियर नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, इसलिए हम लोग सपा बेरोजगारी से परेशान है। हाँ, सब युवा परेशान है बेरोजगारी से समय जितने, यहाँ हमेशा से एक आवाज उठती रही है बेरोजगारी से जो युवा है वो परेशान, विपक्ष भी लगातार बोलता रहा। आप बताइएगा इस बार जो है क्या लग रहा है? इस बार अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे, विधायक तो उनका सपा का है, यहाँ जो भी जिसको उतारेंगे वो आएगा, जो जीत। विकास यहाँ कितना हुआ है? विकास जो हुआ है अच्छा हुआ है। अच्छा, आप बताइएगा, आप महिला है, विपक्ष लगातार बोलता है कि महिलाओं पर बड़ा अपराध हो रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार में अपराध है या अपराध कम है? मैडम, ये सरकार तो अपराध के माने में नंबर वन है। महिलाओं की न तो कोई सुरक्षा है न तो कोई सेफ्टी है, बहन बेटी स्कूल जाती हैं उसके कोई लिए सेफ्टी, उनके लिए कोई भी चीज़ नहीं है सेफ्टी नाम की। इधर मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, और जबकि न तो बेटियों को सुरक्षा मिल रही है और न तो बहनों को मिल रही है। दूसरी चीज़, महिला सशक्तिकरण चल रहा है। महिला सशक्तिकरण में बताइए आप खुद कि कौन सी महिला सशक्तिकरण हो गई है? हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है, चाहे वो विभाग हो चाहे वो परिवार हो चाहे जहाँ हो, लेकिन महिलाओं का शोषण हर जगह हो रहा है। इससे पहले नहीं था पिछली सरकार में, लेकिन इतनी सरकार में, पिछली सरकार में इतना लंबा नहीं था, हर सरकार में था, लेकिन फिर भी वहाँ पे थाने पे जाने के बाद किसी नेता मंत्री के जाने के बाद कुछ तो सुनवाई होती थी, लेकिन इनके शासन में नेता मंत्री के पास जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। नेता मंत्री इनके कहते हैं कि आप तो उनके विधायक उनके क्षेत्र के उनके यहाँ जाइए, ऐसे विधायकी करेंगे तो कैसे विधायक हो पाएंगे? यहाँ पर जो मलिनी विधानसभा है यहाँ पर लोग सरकार से परेशान नजर आ रहे हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। 2022 में किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट? साइकिल देंगे और किसको देंगे? क्यों देंगे साइकिल को? अरे क्योंकि हमको हमारा भाई शान है भाई। कौन शान है? अरे अखिलेश सिंह, अखिलेश। इसीलिए देंगे, बाकी काम वाम? काम तो भाई उनका ठीक ही चल रहा है, जो भी है काम उनका ठीक ही है। अच्छा, ठीक ही काम है, फिर भी अखिलेश को वोट करेंगे, आप बताइए। जी मैडम, हम लोग एकदम अखिलेश यादव सपा अखिलेश। अभी सरकार इतना काम कर रही है, आप एक बताइए। नहीं, आप लोग बताइए ना, मैं तो सुनते आ रही हूँ ना बहुत सरकार। जी मैम, हमारे अखिलेश जी या हमारे कहे आपके भी अखिलेश जी, पूरे राज्य में जितनी सड़क फोर लेन उन्हीं की काम आज योगी सरकार कर रही है, इसके अलावा एक भी उनका कोई नया काम आप बता दीजिए, एक भी जो काम। आप आइए, आप इधर आइए, आप आइए, आपसे आप काफी टाइम गुजारे यहाँ पे, बच्चे जो कहते हैं सही कह रहे हैं, बच्चे जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप आइए, आप बताइए किसको वोट करेंगे इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे? भैया अखिलेश आओ सही रहे। अच्छा, काहे का अखिलेश उतना तरक्की करे हैं देखे? कौन तरक्की करे? अरे बहुत कुछ करे हैं, उन्हें काम रुकाओ सब हो रहा है, उन्हें देन हो जो उनको काम हो रहा है। उनके कार्यकाल में भी नहीं बन पाया, क्या कह रहे हैं? फ्लाई ओवर अखिलेश यादव उद्घाटन करके आज तक उनके कार्यकाल में पूरा ही नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज आज भी जौनपुर उतने रुका है, जब तक गए आज तक आगे नहीं बढ़ा है। सरकार उनकी नहीं है, लेकिन हाँ उनके पिताजी बहुत करके गए। बीजेपी के राज में जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब रुक जा रही है। आर्य ग्राउंड में जाके तब आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे हैं।
बाबा जी ने ठेकेदार को पैसा नहीं दिया, ठेकेदार ने खिड़की दरवाजे पिछले इलेक्शन में तो आए थे भाई, इलेक्शन में तो आप लोग कहे नहीं बोले उनसे, क्या बोलेंगे वहाँ हम लोग को प्रशासन जाने देगी बाबा के पास? क्या जैसे हम आपसे एकदम फेस टू फेस बात कर ले, योगी से हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ मिलेंगे, अगर एक मिनट, हम लोग 300 रुपया 400 रुपया रोज कमाते हैं, अगर हम एक दिन टिकट कटाएंगे 400 रुपया 500 बाइक खर्चा मिला जुला के 1000-2000 गया, उसके लिए क्या करेंगे? चले अपना परिवार छोड़ कर हम योगी से मिले, उनके जो ये कार्यकर्ता है छोटे मोटे हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे और भी तो लोग होंगे उनकी पार्टी के, उनसे नहीं मिले? नहीं राजा, राजा मतलब आप चले जाइए, या कभी मतलब आप पत्रकार न होकर डायरेक्ट चलिए हमारे साथ, आपको हम मिलवाते हैं। अगर आप सिर्फ आश्वासन, यहाँ पे पूरा बम्बई जनता यहाँ बहुत परेशान है, नाराज है, आश्वासन जो है बता रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं विकास हुआ है। जो ग्राम सभा में पंचायत सहायक भर्ती निकाले हैं, क्या उसका पेमेंट बाबा जी देंगे? बताइए वो प्रधान कहाँ से देगा? बहुत सारे सवाल हैं जनता के मन में जो कि मुख्यमंत्री के सामने करना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनसे मुलाकात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, आपकी किसकी सरकार बन? अखिलेश भैया आएंगे। कहे अखिलेश भैया आएंगे? कहे क्यों आएंगे, क्या किए हैं वो? अच्छा काम करते हैं अखिलेश भैया। हाँ आप बताइएगा क्या बोली मैम, किसको वोट करेंगे, क्या लगता है इस बार जो सरकार है कितना काम करी है? इस बार जो सरकार है वो क्या आपके सामने है, क्या काम कर रही है? कुछ जनता के लिए कुछ नहीं, बस महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं, महंगाई इतना ज्यादा है उसका कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। अब बेरोजगारी है, कुछ रोजगार नहीं, ये मनरेगा और ये सब निकाल के कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मैम। अखिलेश सरकार में बालू गिट्टी इतनी सस्ती थी, इस समय 90-95 बालू चल रहा है, अब गरीबन बेचारे घर द्वार बनवावे कि मतलब बेगाना 400 रुपया मजदूरी बेचारे कर रहे। गरीबों घर तो दिया है मोदी सरकार। अरे दिए जितना पैसा दिए है, एक मकान नहीं हो पाएगा पूरा अच्छे से। दूसरी चीज बालू गिट्टी सरकार उनकी नहीं है, लेकिन हाँ उनके पिताजी बहुत करके गए, हाईवे ये ओवर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज उन्हीं का देन है, दो पुल, बहुत कुछ दिए, जौनपुर में एक बार भी उन्हीं का देन, पार्क जो यहाँ बना हुआ है। जौनपुर मलनी विधानसभा में जो सपा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे पारसनाथ यादव, उन्होंने काफी काम किया है, आप बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? तो सिलेंडर दिए हैं, उसमें पैसा नहीं है, हम बता रहे हैं ना, बताने दीजिए उनको भी, बता दीजिए आप, बोलिए हम लोग बोलेंगे, नहीं बोलिए ना आप अपनी बात तो कह सकती है। कुछ भी तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या किए हैं वो, बस यही सब नोटबंदी कर करके सबको परेशान किए हैं। आप ये की जो नो की का करत है मोदी सरकार, कुछ ना करे, पशु छोड़ दिए हैं, सबका खा जाता है, कुल जो गौशाला बनाए जाए, गौशाला के अंदर रखा जाए। सबसे बड़ी चीज मोदी सरकार ने सबको कहा कि सबका साथ सबका विकास, कहीं भी आपको विकास दिखाई पड़ रहा है, किसान वहाँ बॉर्डर पे मर रहे हैं क्या? किसान अगर नहीं देंगे गल्ला तो 5 किलो गल्ला जो देते हैं, 5 किलो जनता को जो गल्ला दिया जाता है, पाँच किलो जो गल्ला दिया जाता है, वो 5 किलो गल्ला आएगा कहाँ से जब किसान पैदा नहीं करेगा? मोदी के मठ में गई, योगी के मठ में गई, या मोदी के खाते में चला गया? किसके खाते में जा रही इनकी सब्सिडी? ना तो जनता के खाते में जा रहा है, ना तो आए थे ना। बहुत नाराज है यहाँ पे मलनी विधानसभा में जो सरकार से, हम लोग भी BLO का काम करते हैं, अगर ऐसी सरकार रह गई तो हम लोग जितना भी भाजपा का वोट है पूरा विलुपन कर देंगे, ये हमारा दावा है। अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया तो इनके खिलाफ हम लोग मैदान में जाए, इलेक्शन भी लड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर लोग इलेक्शन लड़ने की तक की बात कर रहे हैं कि अगर जो बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती है तो ये लोग भी फील्ड में उतरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कहेंगे भैया? हम लोग युवा हैं, सरकारी नौकरी यहाँ योगी सरकार है, जातिवाद करते हैं, हमारा भी हुआ था उसमें जातिवाद चलते काट दिया, बिजली विभाग में हम संविदा पे रखा हुआ था, मतलब जातिवाद चलते हमको बाहर कर दिए गए। किसमें सिलेक्शन हुआ था? हमारा यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ था 2018 में। अच्छा। हम पास भी होते ऑनलाइन, एक एक नंबर चेक किए थे, लेकिन हमको जातिवाद की तरह अलग कर दिया गया। इसके बाद हम लोग बिजली विभाग है, इसको बेच दे रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, बताइए जनता लोग क्या करेंगे? जनता बहुत सोच सोच के परेशान है कि जनता आखिर जाएगी कहाँ, और भी लोगों से बात करते हैं, आप बताइएगा दादा क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार, और सरकार 4.5 सालों में कितना विकास की है कुछ पता है?
विकास तो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। पुरानी सरकारें जो किया ये उसी का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी का बार बार शिलान्यास कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती, आप भी नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, कहीं नौकरी दिखाई नहीं पड़ रही है। चारों तरफ बेहाल हैं लोग, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बिजली जो है चौगुना दाम बढ़ गया, दाल की महंगाई देख रहे हैं, तेल की महंगाई देख रहे हैं। माने ये सरकारों की नाकामी है, दुर्भाग्य है। सरकार की नाकामी है, महंगाई ज्यादा है, जनता परेशान है। दादा आप बताइएगा क्या कहेंगे, बहुत सरकारें देखी होंगे आपने, बीजेपी भी देखी। सरकार से बेहतर, ये सरकार हर सरकार से बेहतर है। हर सरकार इससे बेहतर है, क्यों? महंगाई इतना कर दी है कि लोग परेशान हैं, खाने के लिए मुस्ताद हैं, अब काम भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, महंगाई है, काम भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, और भी लोग हैं जानते हैं। आप बताइएगा भैया क्या कहेंगे इस बार जो है 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? 2022 में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि MIM के आने के बाद समीकरण कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी का। बाकी इस सरकार में बहुत कुछ अच्छा MIM के आने के बाद क्यों बिगड़ रहा है? MIM तो कहीं है ही नहीं। नहीं, अभी आई है MIM इस साल चुनाव, तो जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं है ना। तो आम आदमी पार्टी भी आई है, फिर भी यहाँ पे जो धर्मवाद और जातिवाद चल रहा है उसको देखते हुए कंफर्म नहीं बोला जा सकता है कि MIM के आने से समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगड़ेगा। जरूर नुकसान होगा, नुकसान होगा। बिल्कुल, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार के बारे में ही कहेंगे कि महंगाई इतना ज्यादा है, बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो काम हुआ है, रेलवे में भी काम हुआ है, लेकिन महंगाई अनकंट्रोल है। किसी भी चीज़ में आप चाहे खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल का ले लीजिए, चाहे घर बनवाने का सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बाकी चीज़ें, महंगाई अनकंट्रोल है। 5 साल में लगभग डबल से ज़्यादा भी महंगाई हो गया है चीज़ों की। बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो मलिनी विधानसभा के लोग हैं, जो जनता है, वो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। और बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर विकास हुआ है जौनपुर के अंदर, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और यहाँ पर जब पारसनाथ यादव थे इस विधानसभा के विधायक और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की मलिनी विधानसभा की जो जनता है, वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखाई दे रही है। योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री न बना है न बनेगा। जितने विकास हुए, इतने सड़क बन गए, जो भी सड़क बना कागज में बना। देखिए, हम इस सरकार में तो किसी की नहीं मिलने वाली है रोजगार। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगली बार जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। जहाँ एक तरफ हम मलिनी विधानसभा के जनता से मिले, उनसे जाना कि आखिर विकास कहाँ पर हुआ है और इस बार किसके लिए वो बेकरार है, वोट किसको देंगे और किस सरकार से वो संतुष्ट है और किससे असंतुष्ट है। वहीं अब हम सदर विधानसभा पर पहुंच चुके हैं, जहां पर गिरीश चंद यादव जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, इसके अलावा गठबंधन की सीट से नदीम हारे हुए हैं यहां से। तो कहीं ना कहीं अब जो जनता है वो कितना जागरूक है और इस सरकार से कितना खुश है, ये जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस सरकार में कितना काम? सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी काम नहीं हुआ, लोग बेरोजगारी से लोग परेशान है, भूखे मर रहे हैं, कोई काम नहीं है। हाँ, इसलिए आप असंतुष्ट हैं? जी, सब लोग असंतुष्ट हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बार जो सरकार है कितना? इस बार सरकार में कोई फायदा वायदा हो ना, सीधी सीधी सी बात हो, सीधी ललकार के अखिलेश भैया आवे, हम लोग के खुशी बनावे, हम लोग के मजबूत करे, अखिलेश भाई भी मजबूत हुए। हमार सीधी सीधी बात भाई, सरकार से हम कहा खुशी रहा, कहा दुखी रहा। क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? जी हम बस मजदूरी करते हैं। हाँ, लग नहीं रहा कि सरकार ने कोई काम किया? अरे काम नहीं किया, दो साल से बैठ के घरे भीख मंगाई वाला कटोरा ले, भीख मांगा वाली बात आई के बाद दो साल से धंधा पानी चौपट हो। धंधा पानी सबका चौपट है, लोग परेशान है। आप बताइएगा क्या कहेंगे? हम तो भाई योगी से परेशान है। परेशान है? कोई काम नहीं जौनपुर में, एक भी काम नहीं। एक मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो भी आज 3-4 साल 4-5 साल हो गया उसका शिलान्यास हुए, अभी तक कोई कार्य नहीं है। जैसे हमने अखिलेश गवर्नमेंट में देखा था जितना बना, उतना ही अभी आज भी देख रहे हैं। जो काम उनके
मनियाहो का जो है ब्रिज था आज भी नहीं चालू हुआ, अखिलेश गवर्नमेंट में चालू अभी भी नहीं चालू हुआ, जो भी बड़े प्रोजेक्ट थे एक भी नहीं चालू हुए, तो कौन सा काम बताएं। 3 महीने से हम लोग लॉकडाउन में थे, भूखे मर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं है, ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर गए। तो हमको ये सरकार फेल लगती है एकदम। वो तो महामारी थी, जो कोरोना आया था वो तो महामारी, महामारी होती है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है उसमें। जैसे मान लो महामारी आई ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट अपनी भूमिका क्या निभाती है। हमको उसमें दिक्कत थी ऑक्सीजन की, हमको ऑक्सीजन, बहुत से ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन की वजह से मर गए। तो कोई तो ऐसा नहीं कि सरकार तो नहीं, आप गलत कह रहे हैं, बीजेपी ने कहा था कि ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा है, ये बीजेपी कह रही है ना। आप पता करिए ग्राउंड में जाके, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे हैं। 90% मरने वाले ऑक्सीजन से हैं, कोरोना से तो कम मरे हैं, ऑक्सीजन से ज्यादा मरे हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। बहुत सारी कमियां हैं, यहाँ जाम लगता है इतना ज्यादा, जौनपुर के अंदर इतना जाम लगता है कि पूछिए मत, कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। मंत्री यही से है, विधायक आप लोगों ने चुना है गिरीश चंद्र यादव, मंत्री भी है तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं काम कर, काम उनका दिख नहीं रहा ना कुछ, आप बताइए कौन सा काम दिख रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आई है कि प्रदेश में सबसे कम स्तर पे इस सरकार में अपराध हुआ। ये रिपोर्ट के आधार पे सरकार ही चल रही है, रिपोर्ट के आधार पे ही सरकार चल रही है, और रिपोर्ट जनता को दिखाया जा रहा है, धरती पे कोई हकीकत नहीं दिखाई जा रही है, सिर्फ रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। जितने विकास हुए इतने सड़क बन गए, जो भी सड़क बना कागज में बना। आज यातायात में रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज की स्थिति देख लीजिए तो बदतर हो गई है। सीटें सही नहीं है, चक्के सही नहीं है, एसी सही नहीं है, तो कैसे ये माना जाए कि सरकार विकास कर रही है, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइएगा, कुछ बोल रहे थे आप, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ना नेताजी, बोल दिए। मैंने कहा आप लोग सही सही दिखाते ही नहीं है। क्या नहीं दिखाते, आप बता रहे हैं वही दिखाएंगे ना, आप लोग जो बता रहे वही रिकॉर्ड हो रहा है, वही टीवी पे दिखाएंगे। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने जो बोलना था बोल दिए, अब देखिए वो क्या बोल रहा है। 450 जो नहीं, जो संविदा कर्मी हैं वो भी परेशान हैं। हर ये समझ जाइए ना, यहाँ एक भी सीट बीजेपी को मिलने वाली नहीं है। अब जो खेला करना है वो केवल कर सकते हैं तो ईवीएम से। बीजेपी ही जिताए आप लोगों ने, वो बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा। वो बहुत बड़ी भूल थी। वो जो गांव में ये टहल के मार्केट में 4-6 लोगों को आप मतलब दिखा के कवर कर रहे हैं कि नहीं, मीडिया में वाह वाह योगी जी वाह वाह, धरातल पे कुछ नहीं, एक पक्ष का फैसला हो रहा है, सही न्याय नहीं हो रहा है। ये सरकार एकदम से निकम्मी हो चुकी है। हम गांव से हैं, गांव से रामपुर जमीन निशामपुर, इतना ज़्यादा इस साँड़ छोड़ दिए ना। हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, हम पढ़ते भी हैं खेती भी करते हैं, लेकिन इसको छोड़ दिए हैं। बचाते क्यों नहीं, कैसे बचाएंगे? मुख्यमंत्री थोड़ी ना आएंगे बचाने के लिए। मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो उनके लिए गौशाला बनवाए हैं, तो उनके कर्मचारी वो लोग कहाँ गए? उनको तो पैसा लेते हैं ना, वो पैसा लेते हैं। आप परेशान हैं, बाकी रोजगार को लेके क्या कहना चाहेंगे? रोजगार को लेके देखिए, हम इस सरकार में तो किसी की नहीं मिलने वाली है रोजगार, तो जाहिर सी बात है कि हम रोजगार से भी परेशान है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते उसको। ये क्यों नहीं कह सकते, किसी ने रोक के रखा है क्या? नहीं रोक के नहीं रखा है, लेकिन अब भाई कहने से तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो इसीलिए कुछ सोचना पड़ रहा है ना। अब वही मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, कुछ बोलेंगे? अच्छा मुंह में भरे भर के बैठे हुए खड़े हुए, आप बताइएगा आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे आप इस सरकार के बारे में, कितना विकास हुआ है और अब आने वाला 2022 किसके फेवर में होगा? ये तो नहीं बता सकते किसके फेवर में जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो विकास के, जैसे सड़क वड़क बना है अच्छा अच्छा, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। थोड़ा गुंडा राज भी कम हो गया है इस सरकार में, लेकिन ये है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, ये थोड़ा सा ये दिक्कत है इसके लिए, और बेरोजगारी भी बहुत चरम सीमा पे बढ़ी है, तो इन सब के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ध्यान देना चाहिए मतलब आप बैलेंस बता रहे हैं कि गुंडा राज कम हुआ है लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी रहेगी तो गुंडा राज फिर धीरे धीरे इसमें भी बढ़ने लगेगा, और भ्रष्टाचार, अब किसी भी कचहरी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, भ्रष्टाचार एकदम चरम पे चल रहा है, ये भी इसमें कम नहीं हो पाया है। आज भी लोग घूस और दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, और मंत्री आपके यहाँ से है, विधायक जीते हुए हैं, तो उनके पास बात नहीं रखते हैं या वो सुनते नहीं हैं? मंत्री जी के पास इतना टाइम ना सुनिए, और मंत्री जी अपने में व्यस्त हैं। क्या कहना चाहेंगे?
किस लिए? सरकार इस बार जो विधानसभा चुनाव है, इस सरकार से कितना खुश है या अपने जो विधायक उनसे कितना खुश है या पिछली सरकारों में क्या हुआ है? नहीं, इस विधायक से तो कोई खुश नहीं है और निष्पक्ष अगर चुनाव कराया जाएगा तो बीजेपी नहीं आएगी। ऐसा क्यों? अब आप देख ही रहे हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में MLC कितना दिया बताइए, दाल चावल आटा गेहूं सब कुछ तो दे रही है सरकार। बस अगर वो अन्न ये दे दे तो हो जाएगा सबका पूर्ति, नहीं होगा ना। अगर वो केवल दाना दे दे रहे हैं, घर भी तो दिया है, शौचालय दिया है, घर दिया है, अरे तो दे रहे हैं शौचालय 2.5 लाख रुपए वो योजना के दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन महंगाई इतनी कर दी है वो गरीब आदमी कैसे खाएगा? वो 2.5 लाख में बताइए घर बन जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो अपने पास से पैसा लगाएगा। अब महंगाई इस कदर है, बाकी मेरे भाई हैं उनसे आप बिल्कुल बिल्कुल और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे भी मिलवाते हैं, क्या कहेंगे 2022 जो है वो किसके, क्योंकि आप तो साफ लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ठीक है तो आप तो बोलेंगे, लेकिन जो लोग हैं जो जनता है वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में बोल रहे हैं। देखिए हम जो समाजवादी हैं वो हमेशा जो है सामाजिक कार्यों के साथ जो है जनता के बीच में आते हैं और समाज हित में जो है जो भी कार्य होता है वो करते हैं, और वर्तमान की जो सरकार है वो हर सामाजिक कार्यों को या समाजवादी विकास कार्यों को जो है रोके बैठी पड़ी हुई है और जनता त्रस्त है, और परेशान है, सरकार के खिलाफ ही बोल रही है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो। आइए जानते हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों से भी जनता बहुत परेशान है, तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहां जानेंगे कि आखिर यहां पर जो लोग आ रहे हैं उनकी उनकी क्या सोच है, वो इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। इस बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगली बार जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, अभी तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जैसा मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्या क्या काम किया? बहुत किए। क्या बहुत किए? क्या नहीं किए? बताइए। राशन फ्री मिल रहा है, हैं? चावल गेहूं पैसा सब कुछ फ्री मिल रहा है गरीबों के लिए। पहले गरीब खाना नहीं खाता था? गरीब खाता था, पैसे देख खाता था, फ्री खा रहा है 3 महीने 4 महीने से। अच्छा। 4 महीने फ्री खा रहा है योगी, तो सब लोग खिलाफ ही बोल अच्छा रहे। योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री ना बना है न बनेगा। जो बोल रहे हैं जिसकी जो मानसिकता है बोले, हर आदमी स्वतंत्र है, हैं? कोई सपा का है, कोई बसपा का है, कोई भाजपा का है, लेकिन ये है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री अभी तक न हुआ है न होगा, और न ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है न होगा। मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं है, ऐसी सच्चाई बताई जा रही है। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा और ना ही ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा मिला है न मिलेगा। अब पेट्रोल वाली बात जहाँ तक है, जब हर आदमी 100 मीटर पैदल नहीं जाना चाहता है, पेट्रोल महंगा नहीं होगा। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी शिकायतें हैं, लोग परेशान हैं, लोग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जो 600 में लगता है 700 में फ्री लग रहा है, हर आदमी को लग रहा है फ्री में इंजेक्शन, अब इससे बढ़िया कौन सुविधा देगा? जनता है वो त्रस्त है, परेशान है, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर नौकरी का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ के विधायक है उनसे भी यहाँ की जनता नाखुश नजर आ रही है, और लगातार सपा सरकार की बात, सपा सरकार बनाने की बात लगातार हो रही है। जौनपुर से जो सदर विधानसभा है यहाँ पर जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और विधानसभा में। समीर कनकी के साथ नगमा शेख।